this is Richa. I'm Shlo. I'm Tipika. And welcome back to our channel, What the Fam 2.0. पार्टी में आके करेगा क्या, कुछ अच्छा इम्पैक्ट तो लाएगा ही लाएगा। I just hope एक हैप्पी एंडिंग मिल जाए, क्योंकि अभी तक इनके डर्टी पॉलिटिक्स चल ही रहे हैं। कब तक क्या होने वाला है, अभी तक तो कितने से एपिसोड बचे हैं यार, 3-4 एपिसोड है इन टोटल बचे हुए। ठीक है, एपिसोड 27 पार्ट 3 गेस्ट जाएगा, उसके खिलाफ सबसे पहले एक्शन मैं लूंगा, चाहे वो वही क्यों ना हो। बेशक माजी में जो कुछ भी हुआ है, मैं उसके गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता, ना आप लोगों का ना अपना वक्त बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों से ज्यादा मेरे काम को देखकर मुझ पर भरोसा करें और उसी हिसाब से मेरी पार्टी को वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया शामिर सिकंदर। शुक्रिया सर। अब फ्लोर ओपन है सवाल जवाब के लिए, किसी को कुछ पूछना है जरूर पूछिए, हमारे नए चेयरमैन काफी अप्रोचेबल है। जी इंतहाई खुशायंद बात है कि इस पार्टी की क्यादत अब नौजवान कांधों पर आ रही है। मेरा आपसे एक इंतहाई सादा सा सवाल है कि आपकी पार्टी ने मुल्क और सूबे के लिए कोई एक अच्छा काम किया है? अगर कोई भी एक अच्छा काम किया हो तो बराए मेहरबानी हमारी मालूमात में इजाफा फरमा दें। इस तरह मैंने कहा, मैं माजी के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा, पार्टी एक नए विजन से काम करेगी, वो विजन जो जुबैदा सिकंदर का विजन था, हम उसी विजन को आगे लेके जाएंगे। मैं मानता हूँ मुल्क और पार्टी एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजरी है। हमारी पार्टी के काफ़ी मिनिस्टर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं इसी मुल्क के लिए, इसी पार्टी के लिए, तो ऐसा नहीं है दैट हमारी पार्टी ने कभी लोगों को सर्व नहीं किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपने जो सवाल किया आप उसमें तब्दीली ज़रूर देखेंगे। अच्छा, आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी, आपकी तालीम भी वहीं से थी, तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ के एक्सपीरियंस को हमारे मुल्क के साथ? अगर मैं ख़ुद एक ख़ास शख्स बन गया, एक आम आदमी से ना मिला होता, तो मुझे कभी नहीं पता होता कि एक आम आदमी किस तरह सोचता है और क्या महसूस करता है। क्योंकि मैंने एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारी है, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आम आदमी क्या चाहता है, उसकी नीड्स क्या हैं और वो क्या डिजर्व करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप सच से आगाज करेंगे या फिर दूसरों की तरह झूठ से? सच से, जैसे मेरी माँ कहा करती थी, बिल्कुल वैसे। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पार्टी के जो आपने चेयरमैन है मिस्टर दाऊद अली खान, आप उनके लिए गए फैसलों को सपोर्ट करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। मैं सपोर्ट करता हूँ दाऊद अली खान के हर एक्शन को, जो पास में लिया गया वो अवाम की बेहतरी के लिए लिया गया। क्या हम तवक्का कर सकते हैं आपसे जो आपकी माँ ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो ख्वाब देखे, क्या आप उन तमाम ख्वाबों को पूरा करेंगे? यकीनन ऐसा ही होगा। आने वाले सालों में आप वही विजन देखेंगे जो जुबैदा सिकंदर का था, आप वही पार्टी देखेंगे जो जुबैदा सिकंदर के वक्त पे थी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सवाल जवाब का सिलसिला इख्तिताम पर पहुंचता है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। परेशान हो? जिम्मेदारी जो आ गई, डर भी लग रहा। डर तो लगना भी चाहिए, अभी तुम एक हुजूम में गिरने वाले हो, झूठे खुदखर्ज मक्कार लोगों के हुजूम में। लेकिन ये सब में सच का साथ देना, इस काले बाजार में तुम्हें हक का साथ देना होगा। अगर हर इम्तिहान मुझे नए इम्तिहान में डालेगा? हाँ,
और इस इम्तिहानों के तसलसल में तुम्हें फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको मायूस नहीं करूंगा, और अगर कर दिया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा तुम्हारे साथ देने का। ये भी तो कुछ करना चाहती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? कैसी लगी? अच्छी थी। मतलब अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, सब सियासतदानों जैसी थी। तुम नाराज हो? नहीं तो बहुत सोचा था मैंने जाने से पहले, लेकिन मुझे लगा यही कहना चाहिए था जो भी मैंने कहा। तुम्हारे पास तो नहीं थे, तुम्हें डिक्टेट किया गया था? बिल्कुल भी नहीं। पार्टी की वैल्यू वापस लाने के लिए सर्टन चीजें बोलना जरूरी थी। पार्टी के मेंबर्स और मैंने मिलकर डिसाइड किया था क्या बोलना है। किसी ने डिक्टेट नहीं किया था। सर्टन चीजें नहीं थी, ऐसी बहुत सी बातें बोलनी जो ना तुम कहते हैं ना तुम्हारी सोच थी। तुम्हें लगता मैंने झूठ बोला? हाँ। खुल के बोलो क्या कहना चाहती हूँ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो शामिली, वैसे तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ, कोई भी काम झूठ से शुरू नहीं किया जाता। तुम अपनी पार्टी की गलतियां एक्सेप्ट करो, उनको डिफेंड ना करो। शिप्रा, मैं तुम्हारी बातें सुनने लगा ना, ये लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच बोलोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम सिर्फ नेगेटिव हो रही हो। जिस मुल्क में लोग सिर्फ एक प्लेट बिरयानी पर अपने इलाकों के सरदार के कहने पे वोट देते हैं, उनको इमोशनल करके कहानी सुनानी पड़ती है, कुछ गलत नहीं है इसमें। और क्या गलत काम है? यही कि मैं अपने मुल्क की एजुकेशन पे फोकस करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी का करप्शन खत्म करना चाहता हूँ। क्या मैं बिलीव नहीं करता इस बात पर? क्या झूठ था इसमें? सब तुम्हारी दुनिया की बातें हैं, तुम्हारी पार्टी की वोटर नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और शामिर, अगर ऐसा ही चलता गया ना तो तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है तुम क्या बन जाओगे। ठीक है, केयरफुल रहो नेक्स्ट टाइम।